यूहन्ना रचन सुसमाचार 11 अध्याय का 24 और 25वां वचन। मार्ता ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहाँ यीशु कहता है, देखिए लाजर मर के 4 दिन हो गया, मुझ पर विश्वास करने वाले मरने से भी जिएगा। कब्रिस्तान में शरीर रखी हुई है, वहां पर आके मार्ता से यीशु ने कहा, लाजर जो है जी उठेगा। मार्ता का ऐसे ही विश्वास करना चाहिए था, लेकिन वो मार्ता कहती है पुनरुत्थान के दिन में जरूर जी उठेगा। लेकिन प्रभु उनको अद्भुत रीति से उत्तर दिया, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन, यदि मुझ पर विश्वास करेगा मरने से भी वो जी उठेगा। उस स्त्री ने यही सोची थी पुनरुत्थान के दिन में जो है वो जी उठेगा। उस स्त्री ने समझी यीशु भविष्य में जो है अद्भुत काम करेगा, भविष्य में जरूर ये पुनरुत्थान में जिएगा। लेकिन यीशु ने कहा ना केवल पुनरुत्थान के समय में, यीशु कहता है यदि तुम विश्वास करने से अद्भुत काम होगा, तुम विश्वास करने से परमेश्वर की महिमा को तुम देखोगी। जब यीशु ने कहा लाजर बाहर निकलो, वहां एक बहुत बड़ा अद्भुत काम हुआ। जी हाँ, लाजर जिंदा जो है बाहर निकला। इसको सुनने वाले से कहते हैं, यीशु भविष्य के लिए नहीं, यदि आप आज विश्वास करते परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, अभी अद्भुत काम करेगा, बीमारी दूर हो जाएगा, खर्चे की समस्या दूर हो जाएगा। जिस काम में अद्भुत काम चाहिए आज ही परमेश्वर करने के लिए वो तैयार है। यीशु आज कल जो है यूहानी को एक सा है, आज अद्भुत काम करेगा, आने वाला दिन में भी परमेश्वर जो विश्वास करते हैं उनको अद्भुत काम करेगा। आपसे परमेश्वर पूछता है, आसान काम करने के लिए यदि आप तैयार है, यदि आसान काम को आप करेंगे तो असंभव को परमेश्वर संभव के रूप में कर देगा। विश्वास करने वाले से कहते हैं यीशु पर विश्वास रखना है, यीशु को, उसके वचन को, उसकी सामर्थ को आपको विश्वास करना है। आज ही अद्भुत काम होगा, आपका क्लेश को परमेश्वर आनंद के रूप में बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया।